And I hope that this 2021 brings us a lot of hope, lot of good things, lot of aspirations, and lot of positivity. We have to go away from the negatives, and we have to find ourselves in the value streets. So lovely. So it's worth taking so many via flights from Singapore to here. ये सॉल्ट जो है ये आखिर देखी जा रही है कि सॉल्ट नाम की है तो किस बेस पे ये बनी है, बेस क्या है आखिर बनाने का सॉल्ट? सॉल्ट एक लव स्टोरी है, एक रोमांटिक स्टोरी है, और रोमांस के साथ आपको पता है कि ट्रेजिडी भी रहता ही है, बिना ट्रेजिडी का रोमांस नहीं होता जी। तो एक रोमांटिक ट्रेजिक स्टोरी है और बहुत अच्छा है, दिल को छू जाने वाला स्टोरी है, और हम लोग मतलब यकीन से कह सकते हैं कि इसका जो म्यूज़िक है और जो कहानी है, कहानी का नरेशन बहुत अच्छा है, कहानी जो है लीनियर नरेशन उल्टा जाता है, मतलब जहाँ कहानी एक्चुअली ख़त्म होता है वहीं से फिल्म की शुरुआत है, और जहाँ कहानी शुरू होती है एक्चुअली वहाँ फिल्म का अंत है। तो लोगों को ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग तरीके का नरेशन है, नरेटिव है, और एक इस तरीके का फ्रेश लव स्टोरी अभी हमको देखने को मिलता नहीं है। OTT में तो सारा थ्रिलर और ये जॉनर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक इस तरीके का फिल्म बनाए, तो स्क्रिप्ट इसका जो है वो सबसे मुख्य है, प्रमुख जो है उसका स्क्रिप्ट है। नाम से ही अट्रैक्टिव लगती है सॉल्ट जी, अगर किसी डिश में अगर सॉल्ट नहीं हो तो बेमाने है। और सॉल्ट क्या है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फिल्म के अंदर में, वो तो फिल्म देखने से पता चलेगा, और बिना सॉल्ट के ये फिल्म भी नहीं बनती, ये स्क्रिप्ट ही अधूरा रहता, तो इसलिए नाम है सॉल्ट जी। इसमें एक्ट्रेस एक्टर कौन है? इसमें मुख्य चंदन रॉय सान्याल, जिनको अभी हम OTT में काफ़ी पॉपुलर फेस है, आश्रम में उन्होंने किया, अभी काफ़ी पॉपुलरिटी गेन किया, और कई सारी फिल्मों में उनको हमने देखा है, प्राग में देखा है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है, कमीने में देखा है, और उनके साथ ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है जो नेशनल अवार्ड में लीड रोल कर रही है, नहीं लीड रोल, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता और चंदन रॉय सान्याल दोनों लीड रोल कर रहे हैं, और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता की ये पहली फिल्म होगी जो डिजिटल स्पेस में OTT में रिलीज होगी, तो उस मायने से उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब तक बनकर आ जाएगा ये फिल्म? ये रिलीज़ आपकी मार्च या अप्रैल में रिलीज़ होगी, ये लगभग अप्रैल में रिलीज़ होगी जी। सबसे पहले अपना तारुफ करा दें जी। मैं सुदीप मुखर्जी, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, PNP एंटरटेनमेंट जो प्रोड्यूस कर रही है इस फिल्म को, PNP एंटरटेनमेंट का मैं एक पार्टनर हूँ, और श्रीकांत अग्रवाल ये हमारे पार्टनर है PNP एंटरटेनमेंट में, तो हम दोनों ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं इस फिल्म के बारे में, आप बताएं कैसे आपको लगा कि मैं इस फिल्म में जो है मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे लगा? देखो अभी आपने जो भी OTT में आप जो कंटेंट देख रहे हैं, they are all filled with violence and mysteries and thrillers, so we have not seen a beautiful love story for so long. सो हमको लगा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक मैंने वॉइड क्रिएट हो गया है, एक गैप क्रिएट हो गया है, बहुत दिनों से एक अच्छी लव स्टोरी नहीं देखी है किसी ने। सो इसका जो स्क्रिप्ट है, जो कंसेप्ट है वो बहुत ही प्यारा है, सो आई थिंक इट विल बी अ विजुअल ट्रीट। आई मीन एज अवर इन लास्ट मूवी स्वेटर, आई मीन लोकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस, सो इट विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर दी पब्लिक, एंड म्यूजिक भी इसका बहुत ही मेलोडियस है, एंड वी आर एक्चुअली नोन फॉर द गुड म्यूजिक एंड गुड लोकेशंस, सो आवर फर्स्ट मूवी स्वेटर हैज बीन लव्ड बाय आई मीन मेनी पीपल, इट वाज अ सुपर हिट मूवी। सो एज ए प्रोड्यूसर हैं, या तो ये सॉल्ट लोग क्यों देखेंगे ये बताएं? सी सॉल्ट लोगों को एक बहुत दिनों से एक फ्रेश कंटेंट नहीं मिला है, जहां हमको लगा है वो रिपीटेटिव कंटेंट्स चल रहे हैं, जो मतलब अभी एक लगा है कि एक भीड़ सी लगी, एक होड़ सी लगी है सेम टाइप ऑफ कंटेंट लगाने का, तो लोगों को जब तक आप नया दिखाएंगे नहीं लोग देखेंगे नहीं। सो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया एक जो फ्रेशनेस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है अभी, सो वी होप दैट पीपल लाइक दिस मूवी, एंड वी आर डूइंग अवर बेस्ट, एंड द टीम एंड द कास्ट एंड क्रू इज़ वेरी एक्साइटेड, एंड वी हैव अ पैशनेट डायरेक्टर विथ अस, एंड वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। माय नेम इज श्रीकांत अग्रवाल, वी बोथ आर पार्टनर्स इन PNP एंटरटेनमेंट, एंड होप टू सी गुड कंटेंट गोइंग अहेड। थैंक यू सो मच। सॉल्ट में क्या क्या छुपा है ये बताइए?
सॉल्ट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो आपको पिक्चर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं एक पिक्चर जैसे लिखा हूँ, मैं इस पिक्चर को लिखा भी हूँ मैंने, तो इस पिक्चर को मैंने लिखा है जैसे वैसे मैं फाइनली उसको स्टेप बाय स्टेप रियलाइज़ करने की प्रोसेस में हूँ। तो इसीलिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ बट एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। और जैसा कि मैंने सुना कि आप जो पिक्चर लिखा है ये आप बचपन से लिख रहे थे, इस पिक्चर बचपन से नहीं 12 साल पहले, तो मैं उस तब 14 साल पहले बहुत छोटा था, 18 साल का था मैं, अभी 12-14 साल बाद मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ, तो एक ऑब्वियसली एक ड्रीम कम ट्रू फैक्टर होता है उसमें। कि क्या लगता है कि 12 साल पहले जो है हालात कुछ और रहे होंगे, अभी कुछ हालात और हो गए हैं? अवश्य अवश्य, 12 साल पहले जो था अब वो नहीं है। हम मेरी पिक्चर भी जब मैंने लिखा था तब कुछ था, अब वो नहीं है, उससे बहुत और बड़ा हो गया। जब आप लिखना शुरू किए थे तो हाँ, उन चीज़ों को अभी अभी जो है मौजूदा हालात में चेंज करना पड़ा कुछ? तो मैंने ये फिल्म एज अ शॉर्ट फिल्म लिखी थी 12 साल पहले, इसको पिछले साल मैंने एज अ फीचर लिखा है। हाँ। तो पिछले साल जब मैंने लिखा, जो 2020 के शुरू में, तब भी मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि 2020 में क्या आने वाला है। तो मैंने ये 2019-2020 के उस समय में मैंने ये पिक्चर लिखी थी, तो फीचर वर्जन। तो ऑब्वियसली बहुत बहुत बदल गया है पहले से, पहले जो लिखा था उसके हिसाब से अब, उसकी तुलना में अब बहुत बदल गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस इस पिक्चर को पसंद करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप ऑफ लव स्टोरी है। अपना तारुफ करा दे। मेरा नाम सनी रे है और मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और सॉल्ट का डायरेक्टर हूँ। आप लोग पिक्चर को देखिए और अगर अच्छे लगे तो अपनी फैमिली दोस्तों सबको दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।